हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, हमने जो टॉपिक स्टार्ट करा हुआ है वो है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग्स। उसमें हमने ब्लड वेसल्स और ब्लड का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे हार्ट। हमने जो टॉपिक स्टार्ट करा हुआ है वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें हमने अभी हार्ट, दैट इज़ आर पम्प, वो शुरू करना है, राइट। तो आपको डायग्राम, एक रफ सी डायग्राम दिख रही होगी, लेबलिंग मैं अभी करूँगी। तो जो हार्ट है वो कैसा ऑर्गन है? इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन, राइट। और इसका साइज़ कैसा है? इट्स साइज़ इज़ एज़ बिग एज आर फिस्ट, हमारी बंद मुट्ठी जितना साइज़ होता है। सो इट इज़ एज़ बिग एज़ आर क्लोज्ड फिस्ट, राइट। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन बिटवीन द लंग्स, हमारे लंग्स के बिटवीन है। सो इट इज़ लोकेटेड इन बिटवीन द लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी। बेटा हमारी जो, जहाँ पे हमारी चेस्ट कैविटी होती है ना, उसी को ही थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। वहाँ पे ये लोकेटेड होता है। अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो इसकी लेंथ होती है एवरेज इंडिविजुअल में, दैट इज़ अ 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, क्लियर। सो ये अभी इसके डायमेंशंस की बात हम कर रहे हैं। और अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो जो इसका वेट होता है, दैट इज़ वेट, इट इज़ अबाउट 300 ग्राम्स इन मेल्स, बट इन द फीमेल्स इट इज़ अबाउट 250 ग्राम इन फीमेल्स, राइट। नाउ जो हार्ट है बेटा, हार्ट इज़ एक्चुअली अ होलो स्ट्रक्चर, खाली होता है अंदर से। वैसे तो ब्लड भरा होता है, वैसे अंदर से देखा जाए तो वैसे अंदर खाली है, होलो स्ट्रक्चर होती है, होलो भी है। और इसके अलावा कोनिकल पोर्शन होता है, कोन लाइक कोनिकल, राइट। और इसका जो अपर पार्ट ही आप देख रहे हो, दिस वन, दिस इज़ अ ब्रॉड पोर्शन। सो अपर पार्ट इज़ ब्रॉड, राइट। वेयर एज जो इसका लोअर पार्ट होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं एपेक्स। क्या बोलते हैं इसको? एपेक्स, क्लियर। सो अपर इज़ अ ब्रॉड पार्ट एंड लोअर इज़ अ एपेक्स रीजन, क्लियर। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे अभी हार्ट की। तो ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर्स वाला होता है? दैट इट इज़ 4 चैम्बर्ड, राइट, विद 2 एट्रिया, 2 आर्टरियाँ होते हैं, एंड 2 ही क्या होती है बेटा? वेंट्रिकल्स होती हैं। तो कितने चैम्बर्स हो गए? 4 चैम्बर्स, 2 आर्टरी, 2 वेंट्रिकल। अगर मैं कलर की बात करूँ, इसका जो कलर होता है दैट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर, ओके। और जो हार्ट होता है ना, पूरा का पूरा हार्ट, इट इज़ कवर्ड बाय पेरिकार्डियम। हार्ट इज़ कवर्ड बाय पेरिकार्डियम। बेटा पेरिकार्डियम क्या होता है? पेरिकार्डियम एक फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियम एक सैक होता है, नॉट फ्लूइड, एक सैक होता है जिसमें हार्ट इनक्लोज होता है, और पेरिकार्डियम के बीच में भरा हुआ होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, राइट। क्या होता है बीच में? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये फ्लूइड किसके लिए होता है? दैट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। क्या कर देता है बेटा ये? फ्रिक्शन को कम कर देता है। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन द हार्ट वॉल एंड सराउंडिंग टिश्यूज़। तो हार्ट की वॉल और सराउंडिंग टिश्यूज़ के बीच में जो फ्रिक्शन होगी, बिकॉज ये कंटिन्यूसली पम्प करता रहता है ना, तो फ्रिक्शन तो हो भी सकती है, होती भी है। सो उन हार्ट की वॉल और सराउंडिंग टिश्यूज़ के बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये फ्रिक्शन कब प्रोड्यूस होती है? व्हेन द हार्ट इज़ बीटिंग, व्हेन द हार्ट इज़ बीटिंग, राइट। तो ये था अभी इसकी बिल्कुल जनरल डिस्कशन। अब हम इसकी डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हार्ट की स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। बेटा जो हमारा हार्ट होता है दैट इज़ डबल पंप, क्योंकि हमारे ब्लड को 2 बारी हार्ट में आना पड़ता है इन ड्यूरिंग 1 सर्किट ऑफ द बॉडी, एक पूरा चक्कर लगाने में बॉडी में, तो हार्ट में ब्लड 2 बारी पास होता है, राइट। अब ध्यान से देखो, जो हार्ट है वो हमारे सेप्टा से, ये देखो ये सेप्टा है, ये वाला सेप्टा से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ द राइट पार्ट एज वेल एज दिस इज़ अ लेफ्ट पार्ट, राइट। सो इट इज़ डिवाइडेड बाय सेप्टा इनटू 2 हाफ्स, दैट इज़ द राइट एंड द लेफ्ट, क्लियर। और दोनों हाफ में कम्युनिकेटिंग चैम्बर्स होते हैं, ऊपर वाले को हम आर्टरिया बोलते हैं। सो दिस वन, ये वाला, दिस वन इज़ द राइट आर्टरियम
एंड दिस वन इज़ द लेफ्ट आट्रियम, दिस वन इज़ द राइट वेंट्रिकल एंड दिस वन इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल. सो कितने चैम्बर्स हो गए टोटल? दैट इज़ अ फोर चैम्बर्स. क्लियर? सो ये देखो बेटा, जो हार्ट है वो डिवाइड हुआ हुआ है, दैट इज़ द राइट एंड द लेफ्ट पार्ट में बिकॉज ऑफ द सेप्टम, राइट. तो जो अपर स्मॉल होता है बेटा उसको हम आट्रियम बोलते हैं. ये देखो ये अपर है, ये स्मॉल पोर्शन है, दिस इज़ राइट आट्रियम, दिस इज़ लेफ्ट आट्रियम, और आट्रियम को हम ऑरिकल भी कह सकते हैं. एंड दिस इज़ द राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल. सो इज़ इट क्लियर? राइट. तो ये डिविजन्स हैं. अदरवाइज बेटा ये चैम्बर्स कॉम्युनिकेटिंग चैम्बर्स होते हैं वैसे. क्लियर? सो हार्ट में कितने चैम्बर्स हो गए? फोर चैम्बर्स, टू अपर ऑरिकल्स एंड टू लोअर वेंट्रिकल्स. अब एक चीज़ ध्यान से और देखो, दो वाल्व्स आपको दिख रहे हैं. या देखो ये जो हैं ये वाल्व्स हैं, दीज आर द वाल्व्स, राइट. राइट एट्रियम के बीच में भी और लेफ्ट एट्रियम के बीच में भी ये पड़े हैं वाल्व्स. क्लियर? सो जो वाल्व्स होते हैं ना, ये वन वे पैसेज प्रोवाइड करते हैं. दे प्रोवाइड ओनली वन वे पैसेज, यानी कि अगर ब्लड यहाँ से यहाँ तक आ गया वो बैक फ्लो नहीं करता, इट डज नॉट बैक फ्लो. क्लियर? दैट इज दे प्रिवेंट द रिटर्न ऑफ द ब्लड. सो वाल्व्स परमिट द फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम आर्ट्रियम टू वेंट्रिकल, बट नॉट इन द रिवर्स ऑर्डर. रिवर्स में नहीं जाने देंगे. क्लियर? सो रिवर्स में नहीं जाने देंगे ये. क्लियर? तो हम बात कर रहे थे वाल्व्स की, तो मैं बता रही हूँ ये हमारे पास राइट आर्ट्री में है, और राइट आर्ट्री में हमारे पास कौन सा वाल्व होता है? दैट इज़ ट्राई कस्पिड वाल्व. बेटा ट्राई मतलब तीन कस्प वाला, तीन कस्प वाला वाल्व होता है. ओके? और ये रहा हमारे पास लेफ्ट आर्ट्रियम. ये लेफ्ट आर्ट्री में जो होता है दैट इज़ बायकस्पिड वेल्व. कौन सा? बायकस्पिड. और बायकस्पिड वेल्व का एक और नाम भी होता है, इट्स नोन एज मिट्रल वेल्व. क्या बोलते हैं उसको? मिट्रल वेल्व, बिकॉज इट्स शेप इज़ जस्ट लाइक बिशप्स मिटर. वो जो बिशप टू पॉइंटेड कैप पहनता होता ना, उसकी तरह होती है इसकी शेप, तभी इसको मिट्रल वेल्व बोलते हैं. सो क्लियर? तो वेल्व की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी. ओके? सो इट इज़ वेरी क्लियर कि वाल्व का काम क्या है. दे प्रिवेंट द बैक फ्लो. नाउ अब हम बात करेंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की, कि कैसे सर्कुलेट करता है ब्लड, सर्कुलेशन कैसे होता है. तो ध्यान से देखो बेटा, जब सारे के सारे मसल्स ऑफ ऑल द चैम्बर्स, जब बेटा चारों चैम्बर्स की मसल्स रिलैक्स्ड फॉर्म में होंगी, तो पहले मैं आपको ऐसे समझाती हूँ डायग्राम के थ्रू. जब चारों चैम्बर्स की मसल, बेटा मसल, हार्ट की मसल का नाम क्या होता है? हार्ट की मसल का नाम होता है कार्डियक मसल, राइट. एंड जब चारों के चारों चैम्बर्स के मसल्स रिलैक्स फॉर्म में होंगी, तब क्या होगा? ब्लड जो है वो रिटर्न होगा हार्ट के पास, हार्ट के पास आएगा, राइट. ये देखो, दिस वन इज़ द इन्फीरियर वाना कावा. वॉट इज़ दिस बेटा? दिस इज़ एक्चुअली हम कह सकते हैं एक बिग वेन होती है, और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारे लोअर बॉडी से ब्लड को लेकर आना टुवर्ड्स द हार्ट. क्लियर? हमारे लोअर बॉडी से हार्ट तक लेकर आना ब्लड को. ओके? और ये देख रहे हो आप ये स्ट्रक्चर, दिस इज सुपीरियर वाना कावा, दिस इज़ सुपीरियर वेना कावा. और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हमारे अपर पोर्शन से ब्लड को लेकर आना, अपर पोर्शन से. तो देखो मैंने एरोज बनाए हैं ऐसे, ये लोअर पोर्शन से लेकर आ रहा है और वो अपर पोर्शन से लेकर आएगी. अपर पोर्शन कौन से? जैसे कि हमारे शोल्डर से, हमारे नेक रीजन से, हमारे हेड रीजन से ये लेकर आएगी. और जो लोअर पोर्शन होता है लेग्स वगैरह, है ना, पेल्विक रीजन, वहाँ से इन्फीरियर वेना कावा ब्लड लेकर आएगी, जब हार्ट के सारे चैम्बर्स रिलैक्स्ड फॉर्म में होंगे, राइट. सो इज इट क्लियर? और जो ब्लड आता है बेटा वेन्स में, वो कैसा आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि उस वाले ब्लड में ऑक्सीजन कम होती है लेकिन CO2 ज़्यादा होती है, और ऐसा ब्लड अंडर लो प्रेशर होता है,
राइट। सो ब्लड जो है वो वीना कैवा से कहाँ पर आएगा, ये देखो कहाँ पर आ गया, इनटू द राइट आर्ट्रियम में आ गया। देखो ब्लड ये रहा, यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो मैंने पहले बता दिया बेटा ये ब्लड डी ऑक्सीडेट क्यों हुआ है, बिकॉज हमारी बॉडी के सेल्स ने O2 ले ली और CO2 दे दी, तो हमारी अपर और लोअर बॉडी पार्ट्स में से सारा का सारा जो डी ऑक्सीडेट ब्लड था वो राइट आर्ट्रियम में आ चुका। और इन द मेन टाइम, सेम टाइम पे क्या हो रहा है, देखो इन द सेम टाइम बेटा जो पल्मनरी वेन्स होती हैं, राइट, ये देखो, ये मैं बताती हूँ मैंने पल्मनरी वेन कहाँ से बनाई है, ये देखो ये वाली दोनों, दीज आर द पल्मनरी वेन्स, ये भी क्या है, पल्मनरी वेन्स हैं। आपको याद है मैंने जब आपको वेन और आर्टरी में डिफरेंस कराया था, मैंने आपको एक्सेप्शनल केस बताया था, मैंने क्या बताया था कि पूरी बॉडी में जो आर्टरीज होती हैं हमेशा ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट द वन दैट इज़ अ पल्मनरी आर्टरी, वो कैसा ब्लड कैरी करती है, डी ऑक्सीडेटेड। और मैंने एक और चीज़ भी बताई थी आप लोगों को कि वैसे तो वेन्स होती हैं वो डी ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन हमारे पास एक्सेप्शनल केस है पल्मनरी वेन का दैट विल कैरी ब्लड दैट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखो ये दोनों, ये देखो 1, 2, 3, 4 दैट मीन्स दे आर द टू पेयर्स, वो कहाँ पे ब्लड पोर कर रही हैं, एट द सेम टाइम जब पूरी बॉडी से डी ऑक्सीडेटेड ब्लड राइट पार्ट में आ रहा होगा, राइट आर्टरी में आ रहा होगा, उसी टाइम पे जो है वो हार्ट से ब्लड कहाँ पर आ रहा होगा, सॉरी हार्ट से नहीं, लंग से ब्लड कहाँ पर आ रहा होगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में। तो देखो मैं अब जान के कलर चेंज कर रही हूँ, मैं ये सॉरी इसमें कलर चेंज नहीं है, वेट। तो देखो बेटा लंग से अब क्या कह रही थी मैं कि एट द सेम टाइम पल्मनरी वेन्स, ये देखो ये पल्मनरी वेन्स, ये पल्मनरी वेन से कैसा ब्लड आ रहा है, ये देखो मैंने तभी जान के रेड कलर का बनाया है ये, ताकि आपको हिंट हो सके कि ब्लड कैसा आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है, राइट। कहाँ से आया है बेटा, पल्मनरी वेन, पल्मनरी वर्ड किसके लिए होता है, लंग्स के लिए, तो ये लंग से ब्लड ऑक्सीजन रिच होकर आ गया इन द लेफ्ट पार्ट, क्लियर। और अब जैसे ही आर्ट्रिया, दोनों आर्ट्रिया ब्लड से फिल हो जाएंगे तो क्या होगा बेटा, प्रेशराइज होगा, अगर प्रेशराइज होगा तो वाल्व्स खुलेंगे, लेफ्ट के भी खुल जाएंगे वाल्व्स और राइट के भी खुल जाएंगे। लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच में बाइकस्पिड वाल्व होता है और राइट आर्ट्रियम में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, दोनों ये खुल जाएंगे और आर्ट्रिया क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। इमेजिन करो आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड स्क्वीज नहीं हो जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि ये पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ऐसे, तो ब्लड नीचे की तरफ स्क्वीज होगा क्योंकि वाल्व्स भी क्या हो चुके हैं बेटा, ओपन हो चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे अब ब्लड जो आएगा वेंट्रिकल में आ चुका और यहाँ पे कैसा ब्लड आ गया, डी ऑक्सीडेटेड, ये कहाँ पे आ गया, राइट वेंट्रिकल में, और हमारी जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका, राइट। सो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट आर्ट्रिया इट इज पोर्ड इनटू राइट वेंट्रिकल एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट आर्ट्रिया इट गोज़ इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यानी कि अब आर्ट्रिया तो कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है, अब किसके कॉन्ट्रैक्ट करने की बारी है, अब बारी है वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की, अब वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ऐसे देखो वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, अगर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो अब ध्यान से देखो, अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ब्लड जो है, ब्लड कैसा ब्लड, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा कहाँ तक, लंग्स तक जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, थ्रू पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी ट्रंक, ये देखो अब यहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है, ध्यान से देखो ये जा रहा, तभी मैंने ब्लैक बनाया है, ये देखो ये जा रहा, ये जा रहा है, ये देखो ध्यान से, राइट। ये जो है ना दिस वन इज़ अ पल्मनरी आर्टरी, आपको याद है मैंने अभी बताया था आपको कि पल्मनरी आर्टरी इज़ द ओनली आर्टरी दैट कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके बताया था ना अभी। और ये रहा हमारे पास, ये रही
यानी कि एक पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग में लेफ्ट लंग में जाएगी, एक पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग में जाएगी, ताकि जो ब्लड है वो क्या हो सके, ऑक्सीजनेटेड हो सके। ओके और इन द सेम टाइम क्या होगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पड़ा है किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो कहाँ पे चला जाएगा, देखो ध्यान से, अब मैं रेड कलर से बनाऊंगी, ये देखो, ये जा रहा है, ये देखो ध्यान से, ये देखो, ये जा रहा है, ये क्या है, दिस वन इज द लार्जेस्ट आर्टरी नोन एज द अयोटा। अयोटा से कहाँ जाएगा, पूरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाएगा। ओके क्लियर है, ये चीज़ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाएगा। तो ये थी बच्चों हमारे पास हार्ट की स्ट्रक्चर और उसकी सर्कुलेशन। अब हम बात करेंगे हार्ट की डबल सर्कुलेशन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग। तो हार्ट की स्ट्रक्चर कंप्लीट, मैं आपको एक बारी हार्ट की स्ट्रक्चर फिर से एक बारी फ्लो दोबारा बता रही हूँ। तो देखो जब पूरा हार्ट रिलैक्स होता है, जब हार्ट रिलैक्स होता है तो पूरी मसल्स जो होती हैं इसकी रिलैक्स होंगी, और उस टाइम पे पूरी बॉडी से ब्लड कहाँ पर आ जाता होता है, जो डीऑक्सीडेड ब्लड होता है वो तो आता होता है राइट आर्ट्रियम में, और इन द सेम टाइम पल्मनरी वेन से आ रहा होता है ब्लड ऑक्सीजनेटेड, वो कहाँ से आ रहा है, लंग से। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने पे वेल्स खुलेंगे और ब्लड यहाँ पे स्क्वीज होगा। अब अगर यहाँ पे प्रेशराइज होगा, ये भी वेंट्रिकल्स भी क्या करेंगी, अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ऑब्वियसली ब्लड फिर से मूव करेगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा इनटू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, वेयर एज लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा कहाँ पर, पल्मनरी सॉरी दिस अयोटा में, अयोटा से पूरी बॉडी में। क्लियर, अब हम बात करेंगे डबल सर्कुलेशन की, राइट हम बात करेंगे अब डबल सर्कुलेशन की। तो सुनो व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डबल सर्कुलेशन होता है मींस ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, यानी कि ब्लड को दो बारी पास होना पड़ रहा है, मींस द ब्लड पासेस ट्वाइस फॉर ईच सर्किट राइट। तो एक सर्किट लगाने के लिए बॉडी का ब्लड को हार्ट में से दो बारी पास होना पड़ रहा है, दैट इज़ नोन एज अ डबल सर्कुलेशन। तो मैं डबल सर्कुलेशन को बेटा एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने वाली हूँ अभी, राइट तो देखो मैं शुरू कर रही हूँ फ्रॉम द राइट आर्ट्रियम। तो ये देखो, ये रहा हमारे पास राइट आर्ट्रियम। तो राइट आर्ट्रियम से कैसा ब्लड जाता होता है, हमेशा डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड जाता है, राइट कहाँ पर जाता है, इन द राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है, फॉर लंग्स। कैसा ब्लड जाएगा अभी, डी ऑक्सीजनेटेड, मैं सारी सर्कुलेशन ही बता रही हूँ, ब्लड जा रहा है यहाँ पर लंग्स में, जाके ब्लड कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, ऑक्सीजन रिच हो जाता है। फिर ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ पर आता है, इन द लेफ्ट आर्ट्रियम। किसके थ्रू आता है, वाया पल्मनरी वेन के थ्रू आता है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ पर जाता है, इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अच्छा लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पर जाएगा बोलो, बॉडी पार्ट्स में जाएगा एक्सेप्ट लंग्स। लंग्स में नहीं जाएगा यहाँ से एक्सेप्ट लंग्स। तो ये अभी ये कैसा ब्लड गया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है, कहाँ पर गया, बॉडी पार्ट्स में, राइट बॉडी ने इसको यूज़ कर लिया, और बॉडी से यूज़ होने के बाद ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ पर जाता है, राइट आर्ट्रियम में। किसके थ्रू आता है बोलो, किसके थ्रू आता होता है, वाया इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू आएगा। ओके सो इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे ब्लड क्या है, ऑक्सीजनेटेड है, और ऊपर क्या था ब्लड, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड। तो देखो इसमें लंग्स इन्वॉल्व है ना,
तो ये हो गई हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी वर्ड किसके लिए होता है? लंग्स के लिए। और इस सर्कुलेशन को मैं क्या बोल सकती हूँ? इट इज़ शॉर्ट डिस्टेंस ब्लड फ्लो, क्योंकि सिर्फ हार्ट से कहाँ पर जाना है ब्लड को? ओनली लंग्स तक जाना है, राइट? सो दिस इज शॉर्ट डिस्टेंस फ्लो। और ये वाले में बॉडी बॉडी इन्वॉल्व है, तो इसको बोलते हैं हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन, मतलब सिस्टम में जाना है। और क्योंकि हार्ट से पूरी बॉडी में जाना है, तो ये कैसा हो गया? लॉन्ग डिस्टेंस फ्लो हो गया ये। सो दिस इज अबाउट द डबल सर्कुलेशन, ओके? सो इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को अभी यहाँ पे बंद कर रहे हैं। उसके बाद हम नए टॉपिक्स शुरू करेंगे, जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, राइट, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, हार्ट रेट, पल्स, कार्डियक साइकिल, वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।